चाइना की तरफ से आई बीमारी कोरोना वायरस जो कि भारत में अपने पैर पसार चुकी है और जिसका असर अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। और भारत में होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर कोरोना वायरस का असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस ने होली को भी फीका कर दिया है क्योंकि होली के त्यौहार पर बच्चों के लिए पिचकारी व गुब्बारे मेड इन चाइना के होते थे, लेकिन अब लोगों की ओर से मेड इन चाइना को छोड़ मेड इन इंडिया की ओर से बनी पिचकारी व गुब्बारे और रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते दुकानदारों को भी निराशा झेलनी पड़ रही है। क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही मेड इन चाइना की पिचकारी और गुब्बारे खरीद कर अपनी दुकान में बेचने के लिए सजाए थे, लेकिन अब कोरोना वायरस के डर से लोगों की ओर से मेड इन चाइना से परहेज किया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जो पिछले समय में मेड इन चाइना के गुब्बारे व खिलौने बने हैं उससे किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं होगा और वह सामान वह बेच भी रहे हैं। तो जड़ा चाइना मेड समान है लोग उन्होंने खरीद नहीं रहे या तुसी उन्होंने अगे नहीं कर रहे? कुछ असी भी नहीं अगे कर रहे, कुछ कस्टमर भी थोड़ा जहा करते अवॉइड कर रहे हैं। तो कि नुकसान हो रहा कि पहले तो चाइना मेड समान जरा कि कुछ महीने पहले तो ही दुकानदार जरा अपन दुकाना चले आके समान नू रख लेंगे है, पर हूँ यकदम बीमारी आना कोरोना वायरस आना नहीं जरा तो देखो पहला स्टॉक पे ना वो तो दिखेगा ही, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आइंदा अगे नहीं आ रहा हूँ फिलहाल बंद है। पर जरा असर है ना हूँ दो तीन महीने अगे जाके नज़र आएगा, अजय नहीं कोई ना। असी भी देखा भी दुकान के बाहर जो चाइना मेड जो गुब्बारे लगाए गए हैं कि लोगों को बारे दस रहे जी चाइना मेड है कि लोग आप पसंद करके देख रहे हैं? वो सब पुराने हैं क्योंकि हूँ माल कोई नहीं आ रहा, जो स्टॉक है ना जो कि छे छे महीने तो आया पहलों का है वही दिख रहा, वो कोरोना वायरस का कोई मतलब नहीं है। पर कहना मतलब कि जो थोड़ा बहुत फर्क पैंता है जिन्होंने महसूस करते लोग भी हाँ जी वायरस है और कुछ नहीं भी अवॉइड कर रहे नहीं खरीद रहे इंडियन लैके जा रहे ज़्यादा यह चीज़ हैगी है। हम इसी पिचकारी बार लगी है तकरीबन इंडियन ही लगी हुई है, जी पुरानी है वो लगी है चाइना की देखो विकनी तो आई है ना, ऐसी गल नहीं कि नहीं विकना बंद नहीं होता समान विकता तो पिया ही है, लेकिन 100 to 25% फर्क पिया यह चीज़ है। तो दूसरी ओर रंगों और गुब्बारों और पिचकारी को लेने आए लोगों का कहना है कि मेड इन इंडिया का ही सामान लेंगे और चाइना से परहेज रखेंगे। साथ ही लोगों ने कहा कि चाइना के सामान को हमें बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए और इंडिया के सामान को हमें पहल के आधार पर खरीदना चाहिए। तुसी होली का सामान खरीदने आए जे? हाँ जी। ते चाइना का सामान देख रहे जे की कहना चाहोगे? भाजी मैं अपना तो पहली गल तो है कि चाइना समान जिन्ना भी अवॉइड किया जाए ना सब तो वधिया, दूजी गल है कि अपने इंडिया के पैसे इंडिया च रहने चाहिए तो इंडिया का समान ही खरीदना चाहिए। कोरोना वायरस फैलिया है चाइना का समान खरीदोगे गांह के? जिस तरह तुम अजकल अफवाह फैली हुई कि कोरोना वायरस है, ठीक है हूँ आप कह सकते कि इनू आप चाइना का समान बंद ही कर देना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है ना, कि ना साढ़े ना चाइना का कोई लिंक हो ना यहोजे कोई काम हो। अज तीन समान खरीदने आए जे चाइना का समान खरीद देखते पे जे या नॉर्मली इंडिया का समान? देखो मैं समान तो दोनों ही देखता पाया पर मैं इंडिया का समान खरीदा। ठीक है साढ़े नाल कुछ होर दर्शक मौजूद ने असं उन्होंने भी गल करांगे। सर तुसी समान खरीदने आए जे अज होली दे रंगा दा, इंडियन समान नूं पहल देंदे जे कि चाइना दे? नहीं इंडियन नूं नहीं देईदी। तुसी समान खरीद के जाओगे किहड़ा समान खरीद के लैके जाओगे? इंडियन ही लैके जाऊंगा। ठीक है पर जिहड़ा चाइना दा वायरस जिहड़ा चाइना तो आया कोरोना वायरस उहदे बारे लोकां नूं जागरूक करन लई की कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपना मूँह से ढक के रखो ते करो जिन्ना भी चाइना समान नूं अवॉइड कर सकते हो उन्ना ही करो। अमृतसर से कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ हनी मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।